विधानसभा में जहां विपक्ष ने बीजेपी जेजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी जमकर विपक्ष को आईना दिखा दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तो अपने पहले ही भाषण में विपक्ष को खामोश कर दिया। चर्चा की शुरुआत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी और जेजेपी अलग अलग नारों के साथ आई थी। कोई कहता था अब की बार 75 पार, तो कोई कहता था अब की बार यमुना पार, लेकिन सदन में आकर दोनों बन गई यार। हुड्डा ने कहा कि पूर्व की सरकार ने 154 वादे किए थे, वहीं इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र में ही 260 वादे हैं। हुड्डा के बाद गठबंधन सरकार को इनेलो विधायक और दुष्यंत चौटाला के चाचा अभय चौटाला ने घेरा। उन्होंने कहा कि पहले टर्म में बीजेपी सरकार कई मसलों पर गंभीर ही नहीं थी, इसलिए प्रदेश में पानी और सिंचाई की प्रॉब्लम है। पहले इन मुद्दों को जेजेपी वाले उठाते थे, लेकिन आज जेजेपी सरकार के साथ बैठी है, इसलिए हम जेजेपी से पूछते हैं कि वही सरकार से पूछकर बता दे कि लोगों की समस्या का समाधान होगा या नहीं। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और विकास भी। उन्होंने कहा कि भले ही इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन इस बार जनता का प्यार पहली सरकार के मुकाबले ज्यादा है। हमने 3% वोट ज्यादा लिया है। इसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने पहले ही भाषण में विपक्ष को लगभग चुप कर दिया। दुष्यंत बोलते रहे और उनके चाचा अभय चौटाला और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुपचाप सुनते रहे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि बीजेपी और जेजेपी सरकार अपने सभी वादे पूरे करेगी, क्योंकि दोनों पार्टियों के करीब 72 घोषणाएं समान है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत इन योजनाओं को पूरा करेंगे और हमारा गठबंधन स्थायी और प्रगतिशील है, जिसका प्रदेश को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं जो पहले 300 किलोमीटर दूर होती थी, वो 50 किलोमीटर के दायरे में ही की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में भी 75% नौकरी देने के लिए आगामी विधानसभा में बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी विधायकों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र में पीपीपी मोड पर कैथ लैब खुलवाएं। दुष्यंत ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता से मांग की कि हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटलाइज किया जाए, क्योंकि यह वक्त की मांग है। साथ ही उन्होंने विधायकों से यह भी आह्वान किया कि वर्ष 2020 में ओलंपिक में जाने वाले हरियाणवी खिलाड़ियों की सहायता करें। उन्होंने कहा कि अभी सरकार को बने कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन सरकार का विजन पूरे 5 साल का है और वो इसीलिए काम कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।